हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सोशल लिंग्विस्टिक्स और सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और सोशल लिंग्विस्टिक के कौन कौन से क्वेश्चंस के साथ डील करता है सोशल लिंग्विस्टिक या फिर जो इसकी करैक्टरस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं इसको डे टू डे डे टू डे एग्जाम्पल से समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को सब सबसे पहले बात करते हैं जब हम बात आती है लिंग्विस्टिक्स की तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात आ जाती है सो लैंग्वेज लैंग्वेज इज एन इंटरगर्ल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी बातचीत करते हैं तो उसमें लैंग्वेज का ही रोल होता है विदाउट लैंग्वेज यू कान टॉक टू एनी वन और ना ही आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सो वी कैन से लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद पीपल वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स जितने भी इमोशंस और फीलिंग्स हैं हम लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस कर सक करते हैं इनफैक्ट जो मैसेजेस होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही पास ऑन करते हैं इन शॉर्ट वी कैन से इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक अस केपेबल टू लीव इन अ सोसाइटी क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही आप इंटरेक्शन करते हैं दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और आपस में अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं इमोशंस को शेयर करते हैं तो ये तो बात हुई लैंग्वेज की कि जो लैंग्वेज है वो क्या है या फिर उसका क्या रोल है हमारे <laughs> अगर हम बात करते हैं सोशो लिंग्विस्टिक तो सोशो लिंग्विस्टिक जैसे कि सोशो जो वर्ड है वो आपका सोशल से आया है सो so इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच में क्या दोनों के बीच में रिलेशंस है इसकी स्टडी ही इसके रिलेशन की स्टडी को ही बोलते हैं सोशो लिंग्विस्टिक्स In other words, we can say social linguistics is the study of how language serve and it's shaped by the social nature of human beings. Human beings का अपनी society को लेकर कैसा nature है और जो language है उसमें क्या role play करती है यही है हमारा social linguistics. Some important questions are dealing in the social linguistics और वो questions कौन कौन से हैं वो हमारे language से ही related हैं जैसे कि वट इज़ द इम्पॉटेंट ऑफ सोशल फैक्टर इन द लैंग्वेज वेरिएशन कि सोशल फैक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लैंग्वेज वेरिएशन में या फिर इसके अंदर क्या आ जाता है जैसे कि आप देखेंगे जो लैंग्वेज वेरिएशन है जैसे कि कहीं डायलेक्ट बोली जा रही है कोई लैंग्वेज बोली जा रही है स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली जा रही है रजिस्टर हो गया आपका तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट डालती हैं या उसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में इस लैंग्वेज स्टैटिक और वेरिएबल ये इसके बारे में भी डील करता है हाउ पीपल आर एबल टू कॉम्युनिकेट डिस्पाइट वेरिएशन कि जो लोग हैं वो कैसे कॉम्युनिकेट करते हैं वेरिएशन के बाद भी अब इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो पिजन और क्रियोल्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था हमने डायलेक्ट की बात की थी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं लेकिन डायलेक्ट्स अलग होने के बाद भी वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि वो पिजन पिजन की डिस्कवरी हो जाती है कि दोनों जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो आपस के कुछ कुछ वर्ड्स मिलाकर एक पिजन बना लेते हैं जिसको दोनों समझते हैं या फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाते हैं जैसे कि हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया फॉर एग्जाम्पल अब दो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का जो मदर टंग वो बंगाली है और दूसरे स्टूडेंट का मदर टंग जो है वो हरियाणवी है तो यहाँ पे जो दोनों स्टूडेंट हैं वो कम्युनिकेशन किस में करेंगे सो so, यहाँ पे जो उनका कम्युनिकेशन होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश क्या है कॉमन लैंग्वेज है वो सभी बोलते हैं तो इस तरह से कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है आर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड डायलेक्ट क्या दोनों के बीच कोई डिफरेंस है और इस चीज़ के बारे में भी डील करता है हमारा सोशल लिंग्विस्टिक तो डायलेक्ट को हिंदी में बोलते हैं देशी भाषा जो कहीं किसी कम्युनिटी की होती है वो और स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि मानक होती है जिसको ग्रामर से और प्रोनाउंसिएशन से प्रूफ किया होता है इसके बारे में एक डिस्कशन वीडियो है अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज बीइंग यूज्ड एज अ टूल फॉर पावर विच इज़ रिलेट टू सोशल एक्सप्लाइटेशन कि क्या लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं तो इसके एग्जाम्पल में अगर मैं दूँ तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं जो उनके भाषण बोल सकते हैं जो लेक्चर देते हैं तो वो क्या है वो एक तरह से अपनी भाषा को एज ए टूल यूज़ करते हैं अप, अपने ही वादों को झूठा झूठा बोलते हैं और जो आम जनता है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं तो इन सब इन सारी चीज़ों से भी डील करता है हमारा सोशल लिंग्विस्टिक जो कि क्वेश्चन को उठाता है या ये क्वेश्चन इसी के अंदर इंक्लूड है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वट आर द रीजन्स बिहाइंड द चेंजेस इन द लैंग्वेज कि लैंग्वेज के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे रीजन्स क्या हैं रीजन कुछ भी हो सकता है इंडिविजुअल हो सकता है या कम्युनिटी का रीज़न हो सकता है उसका लैंग्वेज मदर टंग का रीज़न हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन सोशल चेंजेस बी ब्रॉड ड्यू टू लैंग्वेज क्या सोसाइटी में समाज में कोई चेंजेस होते हैं लैंग्वेज की वजह से ये भी डील करता है हमारा सोशल लिंग्विस्टिक इस दे एनी एक्सिस्टेंस ऑफ होमोजीनियस सोसाइटी क्या कोई होमोजीनियस सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है रह सकती है सो होमोजीनियस सोसाइटी भी रह सकती है और हेट्रोजीनियस सोसाइटी भी रह सकती है होमोजीनियस सोसाइटी का मीनिंग है यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी जिनकी कॉमन लैंग्वेज है एक ही लैंग्वेज हो जैसे अगर हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी ही बोली जा रही हो और हेट्रोजीनियस सोसाइटी होता है हेट्रोजीनियस मीन्स जहाँ पे मिक्सचिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज होता है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो हैट्रोजीनियस सोसाइटी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ़्लैट्स जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं एक ही फ्लैट में रहने वाले अगर पच्चीस तीस फैमिलीज़ हैं तो उनका ज़रूरी नहीं है कि सबका एक ही लैंग्वेज हो तो यहाँ पे हम लैंग्वेज से कनेक्ट कर रहे हैं इसको तो ये तो बात हुई कि सोशल लिंग्विस्टिक क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके साथ सोशल लिंग्विस्टिक डील करता है सी इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं जो हमने डील किए हैं अभी जो सात आठ क्वेश्चन हैं इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप याद रखते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में और भी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इसकी करैक्टरस्टिक्स है, क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स है या सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो किस तरह से काम करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं सो सोशल लिंग्विस्टिक एग्जामिन द इंटरप्ले ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी विद लैंग्वेज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट जो रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बींग्स का सोसाइटी के साथ वो सबसे पहले कहां स्टार्ट से स्टार्ट होता है लैंग्वेज से स्टार्ट होता है भाषा से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट होते हैं तो जब वहाँ पे नई जगह पे आप शिफ्ट हुए हैं तो आप अपने आसपास के लोगों से सबसे पहले किस तरह से बात करेंगे कैसे इंटरेक्ट होंगे लैंग्वेज से बिना बोले तो आप नहीं कर सकते ना अगर आप गुड मॉर्निंग भी बोलेंगे तो भी वहाँ पर आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं आप हाई हेलो है करते हैं तो वहाँ पर भी आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि सबसे पहले जो हम लैंग्वेज से स्टार्ट होता है जो हमारा सोसाइटी के बीच का रिलेशन है नंबर टू अगर हम इसमें देखते हैं सो लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्बलम्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन द नॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू लैंग्वेज वी यूज़ लैंग्वेज टू सेंड वाइटल सोसाइटी मैसेज अबाउट हु वी आर वेयर वी आर फ्राम एंड whom we associate with हम सोसाइटी को अपने बारे में सब कुछ कैसे बताते हैं कि हम कौन हैं कहाँ से आए हैं या फिर कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारा बैकग्राउंड क्या है हम जॉब क्या करते हैं हम पढ़ते क्या हैं कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं ये सारी जो बातें हैं वो हम किसके थ्रू एक्सप्लोर करते हैं लैंग्वेज के थ्रू तो इस तरह से लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है सोशल बिकम अ इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फील्ड ऑफ स्टडी ए सर्ट अराउंड ऑफ वर्ल्ड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन बेस एंड इंटर ग्रुप यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि किसी भी सोसाइटी में या फिर जब इसकी इम्पोटेंस है कि इसको पढ़ा जाना चाहिए सोशल लिंग्विस्टिक के फील्ड को पढ़ा जाना चाहिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ताकि जो ह्यूमन बींग्स है जो पीपल है और जो सोसाइटी है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका जो मेन रीज़न है उसके बारे में पता लगाया जा सके और जो कॉम्युनिकेशन होता है उसके बीच में लैंग्वेज किस तरह से काम करती है उसके बारे में नॉलेज हो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें So a slightly different concern with language and society In kind of social situations on language structure ki social situation ka language structure pe bhi effect padta hai example ke Language contract studies focus on the origin and the linguistic composition of Pidgin and Creole's language These special language varieties arise when spoken mutually interdependent एंड अ नीड ऑफ कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉम्युनिकेशन दो तरह से काम होता है एक तो सोशल सिचुएशन और लैंग्वेज स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो बताता है कि जो लैंग्वेज है वो मदर टंग पिजन क्रियोल इस तरह से डेवलप होता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है मदर टंग या फिर जो एक्वायर्ड लैंग्वेज होती है ये तो उसकी बात हो गई स्ट्रक्चर की कि किस तरह से जो लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर है और सिचुएशन में सोशल सिचुएशन का मतलब क्या है कि कॉमन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए अब ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर तो उसका पिजन और क्रियोल भी है लेकिन हम किसी से बात करने से पहले थोड़ी बोलते हैं कि अब हम पिजन का यूज़ करने वाले हैं सपोज़ दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं और दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते तो वो क्या करेंगे वहाँ उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उससे एक पिजन का डेवलपमेंट होगा लेकिन वो दोनों ये थोड़ी बोलेंगे कि अभी हम पिजन में बात करना स्टार्ट करेंगे या फिर जो अभी हमारे बीच का कम्युनिकेशन है वो पिजन है ऐसा नहीं होता है क्यों क्योंकि जो सोशल सिचुएशन है हम उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं जिस तरीके से हम अपने बातों को दूसरे तक एक्सप्रेस कर सकें जैसे कि आजकल देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके एक बाइलिंग चल रहा है है ना इंग्लिश बोल देते हैं जिसे तो वो भी क्या है वो भी एक तरीका है एक सोशल सिचुएशन है हमारी कि जो इंसान प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से नहीं बोल पाता वो क्या कर लेता है वो दोनों को मिक्स करके बोलना स्टार्ट कर देता है या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि दूसरे को अपनी बात एक्सप्रेस करने का ये एक इम्प्रेसिव तरीका है तो ये होती है सोशल सिचुएशंस नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है लैंग्वेज एंड सोसाइटी फोकसड ऑन द सिचुएशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज एज एन एक्टिविटी इन ऑन राइट इसके अंदर अगर हम देख लें लैंग्वेज सो हाउ वी ऑर्गेनाइज़ आवर सोशल रिलेशनशिप विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कि हम कैसे किसी भी कम्युनिटी में कम्युनिकेशन स्टार्ट करें जैसे कि अगर किसी को एड्रेस करना हो अपने आप को एड्रेसिंग अ पर्सन हम मिस्टर Mr. और मिसेस बोलते हैं उसके फर्स्ट नेम के साथ तो ये भी क्या है एक एक तरह का तरीका है सोसाइटी में किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बात करना है या फिर हम बोलते हैं दिस इज दिस इज मिस्टर एंड मिसेस डैस या दिस इज़ मिस्टर शर्मा तो ये क्या है ये एक तरीका है कि कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें सो लैंग्वेज एज अ सोशल एक्टिविटी इट इज़ पॉसिबल टू फोकस ऑन डिस्कवरिंग द स्पेसिफिक पैटर्न ये स्पेसिफिक पैटर्न पे फोकस करती है और सोशल रूल फॉर कन्वेक्टिंग कन्वर्जेशन कि कन्वर्जेशन किस तरीके का हो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ डिस्क्राइबिंग द रूल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कन्वर्जेशन कि ये फ़िक्स होता है कि हम किस तरह से किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे और किसी भी तरह से किस तरह से कम्युनिकेशन को ख़त्म करेंगे अगर मैं एक एग्जांपल की बात बोलूं तो जब आप फ़ोन पे व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं आप हाई हेलो से करते हैं उसके बाद आगे की बात करते हैं और जब आप फ़ोन रखते हैं अगर गुड नाइट होगा तो गुड नाइट लिखते हैं नहीं तो बाय लिखते हैं तो ये क्या है ये उसका एंडिंग है कि आपको इस तरह से बात ख़त्म करनी है अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं तो स्टार्टिंग आप नमस्ते से करते हैं उसके बाद जब आप रखते हैं तो ठीक है बाय टाटा ये सब आप बोलते हैं तो ये क्या है एक तरीका है कम्युनिकेशन का एक अगर दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो अगर आपको आप, आपकी सिस्टर के कपड़े चाहिए या आपको आपके ब्रदर का शर्ट चाहिए पहनने के लिए एक दिन के लिए तो आप क्या करेंगे अब डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे ना कि उसको आ, मुझे कपड़े दे दे मुझे पहनने हैं तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं कि मुझे पार्टी में जाना है मेरे कॉलेज का फेस्ट है मेरा ये है मेरा वो है मेरे कपड़े साफ़ नहीं है मेरे पास न्यू ड्रेस नहीं है इस तरह की जो आप एक प्लानिंग स्टार्ट करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि क्या है ये एक ओपनिंग कन्वर्जेशन कि किसी तरह से किस तरह से बात शुरू करनी है और क्लोजिंग जब आपको मिल जाता है तो आप थैंक यू बोल देते हैं तो इस तरह से जो कन्वर्जेशन था आपके बीच का वो ख़त्म हो जाता है ये जो एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ ये आपके सिर्फ पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए दे रही हूँ इसका आपकी इंग्लिश से जो आपका बुक के एग्जाम्पल्स हैं वही आप लिखेंगे या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं और जब आप कन्वर्जेशन खत्म करते हैं तो आप गुड बाय या टेक केयर इस तरह से खत्म करते हैं वो आपका एक प्रॉपर पॉइंट रहेगा नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की नेक्स्ट इसका पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एग्जामिन हाउ पीपल मैनेज दियर लैंग्वेज इन रिलेशनशिप टू कल्चरल बैकग्राउंड और जो सोशल लिंग्विस्ट माइट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन सच एज हाउ मिक्सड जेंडर कन्वर्जेशन डिफरेंट फॉर सिंगल जेंडर कन्वर्जेशन यहाँ पे फोकस करना है कि जो मिक्स जेंडर का कन्वर्जेशन होता है वो किस तरह से एक सिंगल जेंडर कन्वर्जेशन से अलग होता है डिफरेंट होता है अब मिक्स जेंडर ऐसा जैसे कि जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों बात कर रहे हो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हो या मैन और वुमेन दोनों एक साथ बैठ के बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ सिर्फ़ गर्ल्स बातें कर रही हो या सिर्फ़ बॉयज़ बातें कर रहे हो तो इनकी कन्वर्जेसन में डिफरेंस होता है अब डिफ्रेंस कैसा होता है अगर हम एक कॉमन से एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अगर बॉयज़ बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो वो किस पे बात करेंगे उनके जो टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे वो किसी भी टॉपिक को उठा के बात कर सकते हैं वहीं पे जो गर्ल्स बात करेंगे उन बात करने का टॉपिक अलग अलग होगा वहाँ पे जो उनका कम्युनिकेशन होगा या जो उनका इंट्रेक्शन होगा वो अलग होगा अगर हम बात करें कि जो गर्ल्स है वो बहुत ज़्यादा गैस्चर्स का यूज़ करती हैं अपने आई कॉन्टेक्ट्स का यूज़ करती हैं अपनी बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हैं बात करते हुए या फिर गैस्चर्स का यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो उनको कम्युनिकेशन का टॉपिक्स है वो भी अलग होगा और जो उनका सोशल लिंग्विस्टिक जो उनका एरिया बनेगा वो भी अलग होता है अगर हम एग्जांपल में इसमें देखें तो गर्ल्स हो सकता है वो अपनी प्यवर्टी एज की बात कर रही हो या हो सकता है यहाँ पे वो किसी भी टॉपिक्स पे बात कर रही हो या वो यहाँ पे किसी भी बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो तो यहाँ पे जो उनका बात करने का टॉपिक होगा वो बिल्कुल अलग होगा वो फ्रीडम के साथ बात कर रही होती है बिकॉज उनको सुनने वाली भी लड़कियाँ ही हैं वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ भी अपने जो उनका फ्रेंड ग्रुप होता है वहाँ पर जो उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल होता है या बात करने का तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है लेकिन जब ये दोनों एक साथ बात करते हैं वेन दे सीट्स इन अ ग्रुप और इनका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एग्जाम्पल के लिए आप कॉलेज में देख सकते हैं जब आपके बॉयज़ फ्रेंड आपके साथ बैठ के बातें करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन का टॉपिक होता है या फिर जो आपका उस टाइम का लैंग्वेज यूज़ होता है वो बिल्कुल अलग होता है दोनों का ही लड़कों के केस में भी और लड़कियों के केस में भी तो इस तरह से यहाँ पे समझाया गया इस पॉइंट को कि जो मिक्स जेंडर होते हैं और जो सिंगल जेंडर का कन्वर्जेशन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है जब वो दोनों अलग अलग होते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो वो है सोशल लिंग्विस्टिक्स दिस ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग टुगेदर थियोरी डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज की जो सोशल लिंग्विस्टिक है वो सारी चीजों को एक साथ ला देता है एक ही प्लेटफॉर्म पे जो लैंग्वेज की थ्योरीज़ हैं जो सोशल की थ्योरीज़ हैं उनको डिस्क्रिप्शन को जो इसके बारे में बताया गया जो राइटर्स ने बोला हुआ है इसके बारे में जैसे कि चॉम्स का नाम आता है लैंग्वेज के लिए जिन्होंने एल ए डी दिया है तो इसी तरह से दूसरे राइटर्स हैं उनको भी एक साथ लाता है एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एप्लीकेशन का मीनिंग है जब आप अपनी लैंग्वेज को अप्लाई करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में अब ऐसा नहीं है कि इस इस वीडियो में हमने जो भी एग्जांपल्स डिस्कस किए या जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए आपको लग रहा होगा ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है लेकिन हमको ये नहीं पता था कि जो सोशल लिंग्विस्टिक है कि ये सोशल लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन है जिन पर ये डील करता है ये फिर ये सोशल लिंग्विस्टिक का एक करेक्टरिस्टिक्स है हमें पता है कि जब हम जो हम इंडिविजुअली बात करते हैं अपने मेल और फीमेल जो अलग अलग बातें करते हैं उनका टॉपिक अलग होता है हम ये सब बातें जानते हैं लेकिन वी डोंट नो कि ये जो सोशल लिंग्विस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसीलिए बोला गया है यहाँ पर कि जो सोशल लिंग्विस्टिक है इसकी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है एक यूनिक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर थ्योरी को डिस्क्रिप्शन को एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर डील किया जाता है सो so, ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है इसके अंदर हमने डिस्कस किया लैंग्वेज क्या है लैंग्वेज और सोसाइटी का क्या रिलेशन है सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होते हैं और सोशल लिंग्विस्टिक के अंदर कौन से क्वेश्चन है जिन पर वो डील करता है और इसकी कौन कौन सी करैक्टर हैं मेनली उसको हमने कवर किया इस वीडियो में इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्रेजेंटेशन सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बी विद दस गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स